प्रदेश की सरकार इंसाफ करो। जी सर, आज के प्रोटेस्ट के बारे में बताइए। सर, मेरा नाम आसिफ है और मैं डिस्ट्रिक्ट रामन से आया हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट पे ड्राइवर एज ए सिलेक्ट हुआ था सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से, और हमारी पे इस वक्त जो है वो हमें बेसिक पे मिल रही है, जिससे हमारा खुद का गुजारा नहीं चल पा रहा, तो हमारी फैमिली उस पे क्या खाएगी। 7,000 हमें टोटल मिल रहा है और मैं एक ड्राइवर की पोस्ट पे हूँ। 24 घंटे की मेरी ड्यूटी है, किसी वक्त भी हमें अफसर फोन करता है, हमें उठ के जाना पड़ता है। लेकिन मैं पुरजोर अपील करता हूँ ऑनरेबल CM के साथ, CM से, कि इस SRO को जल्द से जल्द रिवोक किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जम्मू कश्मीर की जितनी भी यूथ है ये सड़कों पे आ जाएगी। जी सर, आप बताइए क्या। सर, मेरा नाम रंजीत सिंह है। हम SRO 202 के लिए सभी युवा इकट्ठे हुए हैं, जितने भी पढ़ाई है आल J&K स्टेट के, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। हम सरकार से पिछले एक साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि SRO 202 को रिवोक किया जाए। हमारे साथ जूनियर असिस्टेंट लगे हुए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के लगे हुए हैं और पुलिस वाले हैं और ड्राइवर हैं जो 24 घंटे गाड़ी चलाते हैं और नौकरी कर रहे हैं, मगर हमें इस महंगाई दौर पे टोटली 7,000 रुपया दिया जा रहा है। और PDP और BJP से ये पूछना चाहता हूँ, जब आपके इलेक्शन के टाइम में आपका मैनिफेस्टो बना था कि SRO 202 इसमें ऐड नहीं था, मगर आपने बिना सुनाए ही SRO 202 की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया है और मुलाजमों को बेदर भटकना पड़ रहा है। SRO 202 के कारण टोटली 7,000 रुपया सैलरी मिली है। हम सरकार से पूछते हैं, इतनी महंगाई दर में क्या 7,000 से गुजारा होता है? अगर होता है तो बताओ आप, कैसे हम अपनी फैमिलियों को पालें, कैसे हम अपना सिस्टम चलाएं। हम सरकार से बोलना चाहते हैं SRO 202 रिवोक किया जाए, अगर नहीं करेगी हम पूरे जम्मू कश्मीर में एक नया आंदोलन चलेगा SRO 202 के लिए। जी सर, आप बताइए। सर, मैं जूनियर असिस्टेंट लगा हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में दरबार स्टेट कैडर में, अभी दरबार मुँह के साथ जम्मू में हूँ। तो जब से हमने दरबार मुँह यहाँ हुआ है तो हम तब से कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि SRO 202 को रिवोक करें, क्योंकि 7,000 रुपये सैलरी मिल रही है। आप ही बताइए कि 7,000 रुपये में हम गुजारा कैसे करेंगे। यहाँ का खुद खाना बनाना पड़ता है, खुद के जेब से लाना पड़ता है, तो 7,000 रुपये महीने के 15 दिन के बाद ही चले जाते हैं, जेब में कुछ रहता ही नहीं है। शर्म की बात है, शर्म से सर झुकता है जब हम घर वालों को कॉल करते हैं कि जेब में पैसे नहीं है, आप हमें हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो। क्योंकि सरकारी मुलाजिम नाम के हम बने हैं, काम के भी हम सरकारी मुलाजिम हैं, लेकिन सैलरी जब मिलती है उस टाइम हमें लगता है हम तो एक लेबर से भी काम बदतर है। क्योंकि वो भी अगर दिहाड़ी पे जाएगा, मजदूर दिहाड़ी पे जाएगा, वो 500 रुपये दिन में लेता ही लेता है और साथ में खाना भी लेता है वो। एक तो हमें खाना भी घर में बनाना पड़ता है, खाना दो टाइम हम घर में पकाते हैं, साथ में हमें 7,000 सैलरी मिल रही है और ऊपर से बड़ा नाम आ गया ये सरकारी मुलाजिम है। APL का BPL का राशन कार्ड घर में था, उसको काट के APL कर दिया। APL क्यों कर दिया भाई? क्योंकि आप सरकारी मुलाजिम हो। 7,000 में सरकारी मुलाजिम, हमें शर्म की बात है कि 7,000 रुपये में हमें यहाँ जम्मू
श्रीनगर से यहाँ आना पड़ता है, 24 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है। जो हमारे साथ लगे हैं जूनियर असिस्टेंट हमारे साथ लगे हैं वो 23,000 रुपये सैलरी ले रहे हैं, पुराने नोटिफिकेशन के जो ड्राइवर लगे हैं पुराने नोटिफिकेशन के वो 23,000 सैलरी ले रहे हैं। काम तो सेम कर रहे हैं हम, हमारे हाथ में भी वही पेन है, उनके हाथ में भी वही कलम है, हम भी वही काम करते हैं, वो भी वही काम करते हैं, वो 23,000 सैलरी ले रहे हैं, हमको 7,000 रुपये सैलरी दी जा रही है 5 साल तक। हम रिक्वेस्ट करते हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से, मिस महबूबा मुफ्ती से और हमारे जो डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह से, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं और साथ में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर राजीव द्राबू है उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि SRO 202 को रिवोक करें। जब आप उनके बारे में सोच रहे हैं जो रेलवे जोर्स हैं वो 60,000 हैं, उनके बारे में सोच रहे हो तो हम 2,500 ही हैं, तो हमारे बारे में भी सोचें, वो आपकी मेहरबानी होगी अगर SRO 202 रिवोक करें। थैंक यू।